पटना का प्रसिद्ध अखंड वासिनी मंदिर जहां दीपक के दर्शन मात्र से पूरी हो जाती हैं मनोकामनाएं। बिहार की राजधानी पटना में वैसे तो भगवती माता की आराधना के अनेक उपासना स्थल हैं, लेकिन उनमें से अखंड वासिनी मंदिर की महिमा कुछ अलग ही है। जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं पटना के अखंड वासिनी मंदिर की बात, जो पटना के गोलघर पार्क रोड में स्थित है। यह भगवती माता के उन मंदिरों में से एक है जहाँ काफी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। नवरात्र के 9 दिनों में तो यहाँ भक्तों का तांता ही लग जाता है। अखंड वासिनी मंदिर, जिसे मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर 108 से भी ज्यादा वर्षों से एक अखंड दीपक प्रज्वलित है। यही कारण है कि दुर्गा माँ के इस मंदिर को अखंड वासिनी मंदिर कहा जाता है। मंगलवार देवी के पूजन का विशेष दिन माना जाता है और माता रानी के इस मंदिर में भी मंगलवार को अच्छी खासी भीड़ होती है, जो माता के दर्शन के लिए लालायित होकर कतार में अहले सुबह से ही पूजन सामग्री के साथ खड़े हो जाते हैं। इस मंदिर के पूजन विधि में एक परंपरा खास है और वह यह है कि हर मंगलवार को गुड़हल के 9 फूल, 7 हल्दी और 1 पुड़िया सिंदूर श्रद्धालु माँ को अर्पित करते हैं और माँ अखंड वासिनी उनकी मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। मंगलवार को तो यहाँ भक्तों की भीड़ माता रानी के दर्शन को उमड़ती ही है, लेकिन नवरात्रों में तो यहाँ की भीड़ देखते ही बनती है। सप्तमी से लेकर अष्टमी तक मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है, जो माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर 108 से भी ज्यादा सालों से अखंड ज्योति जल रही है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने इस ज्योति को गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से लेकर 1914 में यहाँ पटना आए थे और इस मंदिर में उस ज्योति की स्थापना की थी, जो अब तक अखंड जल रही है। यहाँ पर 2 दीपक स्थापित हैं, जिनमें से एक घी का है और दूसरा सरसों के तेल का है, जो लगातार जल रहा है, अनवरत जल रहा है। कोई भी शक्ति उसे अब तक बुझा नहीं पाई है। श्रद्धालु भी यहाँ पर आकर दीपक जलाते हैं। नवरात्र में तो यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ के कन्या पूजन और भंडारे में दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। जो भक्त इस मंदिर में खास मनोकामना लेकर आते हैं, वह दीपक के साथ घी और तेल भी मंदिर में दान करते हैं। यहाँ इस मंदिर में माँ काली और माँ बगलामुखी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ दिन भर में 3 बार यानी त्रिकाल आरती होती है, जो बहुत ही कम मंदिर में देखने को मिलती है। कहते हैं कि शुरुआत में यह मंदिर एक झोपड़ी में था, लेकिन आज यह मंदिर पटना के शक्ति उपासना स्थलों में एक प्रमुख मंदिर बन गया है। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यह पटना का संभवतः पहला मंदिर है जहां 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार के लोग माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। आशा है इस मंदिर की महिमा सुनकर आपने भी इस मंदिर में जाने का, अखंड ज्योति और माता रानी के दर्शन का मन बना लिया होगा। धन्यवाद।